एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुंडू अनुमंडल के सोनहातू थाना क्षेत्र के बाकू के समीप डीएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1.5 किलो अफीम, एक पिस्टल तथा एक चाकू बरामद की गई है। पदार्थ लेकर सोनहातू की तरफ रस किए हैं। इस सूचना पर मैं तुरंत अपने बुंडू से निकला और थाने पहुंचा। वहां से संबंधित फोर्स को मैंने लिया, थाना प्रभारी को लिया और थाना प्रभारी के साथ हम लोग क्षेत्र में निकले और एंटी क्राइम चेकिंग हम लोगों ने लगाया, जहां सूचना प्राप्त होने वाली थी कि जिस स्थान से वो लोग निकलेंगे वहां पे हम लोगों ने एंटी क्राइम चेकिंग लगाया। कुछ समय के पश्चात लगभग 9:45 के आसपास बाइक सवार एक काले कलर की R15 बाइक से वहाँ बहुत तेज़ी से दो व्यक्ति उस पर सवार थे, जो कि काफ़ी तेज़ी से निकले। हम लोग के इशारा करने के बाद भी वो नहीं रुके। उसके पश्चात हम लोगों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद हम लोगों ने उसको काफ़ी मशक्क़त कर उसको बाइक को रुकवाया। उसमें से एक व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो अंधेरे का लाभ उठा के वो झाड़ियों में छुप कर भाग गया। एक व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ के उसकी तलाशी बारी बारी से उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में पता चला कि उसके कमर में एक देसी पिस्टल है, वो उसने अपने पास में रखा हुआ था। इसके अलावा अपने जो पैंट है, पैंट के पॉकेट में वो चाकू, बहुत एक बड़ा सा चाकू रखे हुए हैं। इसके अलावा पुनः हम लोगों ने तलाशी लिया तो उसके पास एक बैगनी कलर का एक झोला था। झोले के अंदर उसमें हम लोगों ने जब उसको खोल कर देखा तो उसमें एक तरल पदार्थ था भूरे कलर का। जब उसको हम लोगों ने उसको टेस्ट किया, उसकी जांच की, तो पता चला कि वो मादक पदार्थ अफीम है। फिर पुनः हम लोगों ने वहाँ पे सीजर कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने लाए हैं और आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट में की विभिन्न धाराओं में उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है सोनहातू थाने में और इसके अलावा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उसके दो और साथी मौका देखकर भागने में सफल रहे। DSP ने बताया कि ये लोग अफीम बेचने के सिलसिले में निकले हुए थे। उन्होंने कहा कि अन्य दो अपराध कर्मियों की खोजबीन की जारी है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।